हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो है अब्रप्शो प्लासेंटा। तो मैंने इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस पोस्ट करी हुई हैं। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, हम वो रिवाइज कर रहे हैं। तो विदा इंट्रो को लॉन्ग करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अब्रप्शो प्लासेंटा। तो क्या होता है अब्रप्शो प्लासेंटा? इज द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल आफ्टर द 20th वीक ऑफ गेस्टेशन अंटिल द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब कि अब्रप्शो प्लासेंटा क्या होता है? जब प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाता है हमारा प्लासेंटा का, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली जो इम्प्लांटेड हमारा प्लासेंटा था उसका, कहाँ से? यूट्राइन वॉल से, आफ्टर 20th वीक, ठीक है, ऑफ गेस्टेशन, जब तक अंटिल द सेकेंड स्टेज। मतलब अगर सेकेंड स्टेज चल रही है तब तक, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लास्ट इसके अंदर है तीन क्लासिफिकेशन, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन क्लासिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले है रिवील टाइप, फिर कंसील टाइप एंड देन मिक्स। तो रिवील के अंदर क्या होता है? ब्लड जो होता है, ब्लीडिंग हमें शो होती है, रिवील्ड होती है। कंसील्ड के अंदर ऑब्वियस ब्लीडिंग नहीं दिखती हमें। और मिक्स टाइप के अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 1 एंड 2। तो इन कंसील्ड टाइप 20% ऑफ द हेमरेज कंफर्म विद इन द यूट्राइन कैविटी डिटैचमेंट। मतलब 20% केसेस जो होते हैं वो हमारे कंसील्ड टाइप के होते हैं ऑफ प्लासेंटा में बी कम्प्लीटेड एंड कॉम्प्लिकेशंस आर ओपन सीवियर। मतलब अगर तो वो कंसील्ड होता है 20% केसेस के अंदर, और काफी सारे केसेस के अंदर तो वो कम्प्लीटली भी प्लासेंटा हमारा डिटैच हो जाता है वहां से, एंड कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं इसके अंदर वो ज्यादा सीवियर होते हैं रिलेटेड टू द रिवील्ड वन, ठीक है। और रिवील्ड जो होता है, रिवील्ड टाइप, उसके 80% चांसेस होते हैं, 80% केसेस होते हैं, और ब्लड ड्रेन करने लगता है हमारा सर्विक्स के थ्रू, प्लासेंटा जो होता है डिटैच हो जाता है, और मोर लाइकली टू बी इनकम्प्लीट। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोगों को ध्यान दे देते हैं, ठीक है। एंड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके लेस सीवियर और कम होते हैं इसके, मतलब ज्यादा डेंजरस हमारा कंसील्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, सिर्फ इतना ही पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एंड दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच।